हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है सितंबर 16, 2019। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए हफ्ते की एक नए जोश और उमंग के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू एडिटोरियल में कौन से टॉपिक है। तो ये जो पहला टॉपिक है इज बेस्ड ऑन जो हाल ही में भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर के जो स्पेशली जो एक्सपोर्ट सेक्टर और जो रियल एस्टेट सेक्टर में वहाँ पे काफ़ी सारे ये इंसेंटिव्स या रिफॉर्म्स के बारे में बात की है, ताकि उसके वजह से जो ये थर्ड रिफॉर्म की बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुई, जो इसके वजह से जो हाल ही में इकोनॉमी एक स्लो डाउन हुई है, तो अलग अलग जो सेक्टर्स है उसको इंडिविजुअली रिफॉर्म करके उसको ग्रो अप करने के लिए यहाँ पे सोचनी चाहिए। तो उसके लिए कौन से ऑब्स्टेकल्स होंगे, कौन से प्रॉब्लम्स है जिसको देखा नहीं गया है, और उसको अगर रिवाइव नहीं किया गया है तो इंडियन रिजल्ट ये साइक्लिकल स्लो डाउन चलती रहेगी, उसके वजह से इंडियन जो इकोनॉमी है और भी नीचे आती रहेगी। तो इसको यहां पे डिटेल में मेंशन किया गया है। तो यहां पे ये जो आर्टिकल है इसमें बोला गया है कि जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये 5% हो गया है। तो आर्टिकल में ये बोला गया कि बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स है जिसके वजह से ये जो 5% जो एक स्लो डाउन हुई है इसको एक प्रॉक्सी के हिसाब से माना गया है, क्योंकि ये एक्चुअली 5% ही है, इससे भी नीचे है। और गवर्नमेंट के पास जो ओरिजिनल डेटाज यहाँ पे नहीं है, ताकि उस ओरिजिनल डेटाज को साइड में लेके उसके हिसाब से प्लान्स या पॉलिसीज को डिजाइन किया जा सके, ताकि जो भी सेक्टर्स है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर यहाँ पे ठीक नहीं किया गया, जैसे कि जो भी अलग अलग सेक्टर से जिसमें टैक्स से रिलेटेड उसमें जो डीमोनिटाइजेशन की वजह से जो यहाँ पे डाउन हुई, जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आए, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो उसको कैसे कैसे यहाँ पे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है, जो जन सूचना पोर्टल, हम लोगों ने सैटरडे के जो द हिंदू एडिटोरियल में इसको डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोग अगर चाहेंगे तो हमारे पुराने जो लेक्चर्स है उसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में इसको मेंशन किया गया है। तो ये एक जो जन सूचना पोर्टल राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया है, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं राजस्थान में जो इंप्लीमेंट किया गया। तो पूरे ये देश को भी इसको मानना चाहिए, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी है यहाँ पे, सिविल सोसाइटी को काफी इससे मदद मिलेगी। बहुत सारी जो जानकारी है स्कीम्स रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, कोई भी जो स्कीम ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी जो बैंक यहाँ पे जो लोन वेवर दे रही है, जो भी लोग हैं उनको इस सिस्टम के द्वारा लगातार जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त उन लोग कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेस्ड ऑन जो आर्टिकल 370, हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग तो ये फिलहाल भी काफी बोल रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ लूप होल्स रह गए थे, तो इसमें राइटर्स ने अपने यहाँ पे ओपिनियन दिया है, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं पुराने। अगर हम आप कोई भी जो द हिंदू एडिटोरियल आफ्टर ऑगस्ट 5, 2019 अगर आप देखेंगे, तो हर दो लेक्चर में ये आर्टिकल हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक होती है जो एग्जाम्स रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या उसके जो इफेक्ट्स जाननी चाहिए, तो उसको आप देख सकते हैं पुराने आर्टिकल्स को। देन ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू जो वंदे भारत एक्सप्रेस, उससे रिलेटेड है जो ट्रेन 18 जो है इसका टेस्ट किया गया था। तो ये जो है बेसिकली दिल्ली टू ये वाराणसी ये जो ट्रेन यहाँ पे चलेगी, जिसकी जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक ट्रेन है, इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, जिसकी स्पीड जो है हाई स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की होगी वहां पे। तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एक क्या गया था एक सक्सेसफुल मिशन तरीके से हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। देन ये जो आर्टिकल है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आर्टिकल 21 के हिसाब से यहाँ पे बोला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यूएसए में कैसे यहाँ पे सिस्टम होती है उसका एक रेफरेंस दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट जो आज डेटा पॉइंट में यहाँ पे डेटा कम, यहाँ पे एनालिसिस को ज्यादा किया गया है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ पे एक स्लो डाउन हुई है, जो यहाँ पे प्रॉफिट होनी चाहिए थी एक जो स्लो डाउन हुई है, और कुछ कुछ अदर फैक्टर्स को भी इसमें दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आज ये बोल सकते हैं कि मेजर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा तो टॉपिक है बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो ये जो पहला आर्टिकल है इस बेस्ड ऑन जो रिफॉर्म्स के बारे में बोला गया था, कि जो सैटरडे को एक
भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे जो थर्ड राउंड ऑफ स्टिमुलस मेजर्स, मतलब कौन से सेक्टर में, जैसे कि टैक्स को अगर कट डाउन किया गया जो भी यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में, ताकि जो लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं उन लोगों को कुछ यहाँ पे राहत मिले, उन लोग के पास जो है इन एन एवरेज जो है ज्यादा जो पैसा जो उनके पास सेविंग्स हो, या तो वो बैंक में हो या उनके जो सैलरी से उन लोग की सेविंग्स हो, इसमें बढ़ावा देने के लिए ये जो फिजिकल स्टिमुलस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ताकि जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, तो इंडियन आर्टसेल यहाँ पे चीज यही बोली गई है, ताकि स्ट्रगलिंग जो इकोनॉमी है, ताकि लोगों के पास पैसे ज्यादा रहेंगे तो लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कंजम्पशन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर कंजम्पशन कर पाएंगे तभी उसके डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो जिसकी डिमांड बढ़ेगी, वो जो कंपनीज है वो कंपनीज उसको प्रोड्यूस करने लगेगी, और प्रोड्यूस जब करने लगेगी उन लोग बैंक से लोन लेगा, अगर बैंक जो है लोन को ईज कर दिया, उनके जो इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट रेट को अगर कम कर दिया, जितना भी हो सके कम कर दिया, तो बैंक क्या होगी, जो कम इंटरेस्ट रेट से अगर पैसा उधार लेगी बैंक से, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हो उन लोग प्रोड्यूस करेंगे उसकी जो प्राइस है उसको कम प्राइस में दे पाएंगे, तो लोग क्या होगा कि कंजम्पशन भी यहां पे ज्यादा होगा, और इन एन रिटर्न जो इंडिया की इकोनॉमी इवेंचुअली ग्रो करेगी। तो ये होती है फिजिकल जो स्टिमुलस के बारे में बात है। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में बाकी जो पूर्व जो राउंड थे स्टिमुलस प्लान के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में फोकस किया गया था। यहाँ पे जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले जो अभी लास्ट एक साल में उसकी जो गिरावट 20% के पास आगे एक गिरावट, तो कितनी सारी यहाँ पे जॉब्स की कट डाउन हुई है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और इतनी सारा जॉब्स की जो यहाँ पे कट डाउन हुई, तो ये भी बहुत ही एम्प्लॉयमेंट को ग्रो करेगी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि ये पिछले 9-19 साल की सबसे बड़ी एक जो बोल सकते हैं हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक डिग्रेडेशन यहाँ पे हुई है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हुई थी यहाँ पे। देन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के यहाँ पे बारे में बात किया गया था, वहाँ पे भी काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो बजट के टाइम में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बारे में भी यहाँ पे जो है काफी यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गई थी, जो बैंकिंग सेक्टर में काफी सारे जो एनपीए क्राइसिस से काफी यहाँ पे प्रॉब्लम्स, तो इसके बारे में ये पूर्व जो दो यहाँ पे राउंड्स में इसमें बारे में डिस्कस हो गया है। यह कि यहाँ पे इस बार जो फिजिकल रिफॉर्म के बारे में बात किया गया है, जो अंडर परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट सेक्टर और जो यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ताकि उन लोग को सुधारा जा सके, ताकि उन लोग को ठीक किया जा सके, ताकि उन लोग जो है इंडियन इकोनॉमी पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो टैक्स रिफंड स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट हुई है, ताकि यहाँ पे जो लैंडिंग सेक्टर के जरिए जो एक्सपोर्ट सेक्टर को यहाँ पे सुधारा जा सके, और जो रियल स्टेट को भी यहाँ पर सुधार जा सके, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उन्होंने जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू में एक 50,000 करोड़ की एक यहाँ पे डेंट लगा दिया है, गवर्नमेंट का एक लॉस जैसे ही करवा दिया है, लॉस नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट की यहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ा दिया, तो इसको ठीक करनी पड़ेगी, इसको ठीक करने के वजह से ही एक्सपोर्ट सेक्टर जब ठीक होगी तभी इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर हम लोग मान लें इंडिया जो है अभी तक 1 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर की इकोनॉमी भी नहीं पहुंची है, और चाइना जो है इससे ज्यादा जो है लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो इतना पैसा उन लोग सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आगे है चाइना हमसे, उस लेवल तक हम लोग को पहुंचने में कितने सालों लग सकते हैं, तो इसके बारे में इसको ध्यान देना होगा। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ताकि यहाँ पे जो इंडियन रियल एस्टेट कंपनीज है उसको इजियर कर सके, और यहाँ पे जो 10,000 करोड़ का एक एलोकेशन हो, 10,000 करोड़ का इस एलोकेशन को यहाँ पे मेंटेन किया जा सके, ताकि यहाँ पे जो रियल एस्टेट कंपनीज है जो घर या लोग जो खरीदते हैं उसको ईज किया जा सके, ताकि अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है लोग जो है उससे ज्यादा अगर स्कीम्स मिलेंगे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी कंज्यूमर्स है तो उसको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने की वजह से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे होगी उतनी ही यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेक्टर है ये सेक्टर रिवाइव करेगी, तो उन लोग ज्यादा से ज्यादा उन लोग कंपेंसेशन दे सकते हैं या बेनिफिट्स दे सकते हैं जो भी वहां पे कंज्यूमर्स है, तो उन लोग भी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगी, तो वहां से इकोनॉमी ही ऊपर से यहाँ पे डेवलप होगी। तो यहाँ पे प्राइमरी जो इश्यूज है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट्स
और रियल स्टेट, इसको ध्यान में रख के बहुत सारे चीजों के ऊपर बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट है और जो रिवाइव करने के लिए यहाँ पे जो सेक्टर्स को है, सेक्टर्स को ज्यादा ध्यान देके उनके जो इंटरनल जो ऑब्लिगेशन है उसको हटानी पड़ेगी। तो ये जो इकोनॉमी बेसिकली क्या होते हैं कि हम लोग कोई भी जो इकोनॉमी का हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं या इकोनॉमिकल टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके लिए तो पहले हम लोग को इकोनॉमिकल टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो इकोनॉमिकल टर्म्स के बारे में जब हम लोग को जानकारी होगी तभी हम लोग पूरी सिस्टम को समझ पाएंगे, और सिस्टम को जब समझ पाएंगे तभी हम लोग रियलाइज करेंगे कि ये सारी जो है एक साइकिल में चलती है, क्योंकि आप लोगों ने एक पार्ट को अगर समझा, दूसरी पार्ट को अगर नहीं समझा तो आप लोग उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, ये साइकिल में चलती रहती है। सभी सिचुएशन को इजीली समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो भी है कि आप इकोनॉमी के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल से उसको डिटेल में हमेशा पढ़िए, उसको गो थ्रू करते रहिए, जो भी न्यू अनाउंसमेंट होती है या कुछ भी है कहीं से भी कोई भी सोर्स हो, बेटर सोर्स लीजिए हमेशा, ताकि आपके ये हमेशा एक कंट्रोल में रहे कि दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी स्पेशली जो इंडियन इकोनॉमी में चल क्या रही है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्व करने के लिए कैसे कैसे सिचुएशन हो सकती है, ताकि एग्जाम्स में जो है एग्जाम्स में आपके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमेशा ठीक रहे, और आपके जो एनालिसिस, कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी आपने पेपर में पढ़ा या कोई भी आर्टिकल पढ़ा उसका डायरेक्टली एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको आपको खुद से एनालिसिस करके उसके सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, उसको प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने पड़ेंगे, तो काफी सारा इंपॉर्टेंट हम लोग, तो ये बेसिकली हम लोग जो करते हैं ये इकोनॉमिकल रिलेटेड एक प्रैक्टिस होती है, ताकि आपकी जो यहाँ पे इकोनॉमिकल सेंस को बढ़ा सकते हैं हम, तो इसके लिए हमेशा जो है हमारे स्टडी राइज के कोई भी जो द हिंदू एडिटोरियल को कभी भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल रिलीफ के बारे में बोला गया था, तो फिजिकल रिलीफ यहाँ पे बेसिकली यही होती है कि जो लोगों के पास जो होती है एक टैक्स की कट डाउन हो, जो गवर्नमेंट टैक्स होती है टैक्स की कट डाउन, तो गवर्नमेंट के पास इंडियन आउट जो है यहाँ पे सेविंग जहाँ पे ज्यादा रहेगी, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो टैक्स को कपल करके यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी, तो स्पेंडिंग को कम करने से उसकी जो इफेक्ट और इंडियन इकोनॉमी पे डेफिनेटली पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि RBI ने जो अपनी मॉनिटरी जो पॉलिसी है, यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी में काफी सारे रिफॉर्म्स भी लाए हैं, उनको काफी सारे ईज भी कर दिया है, और उसी का जो इफेक्ट है RBI ने यहाँ पे जो स्पेंडिंग और ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए भी यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे जो ये बोला गया है, यहाँ पे जो रेडिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ये पावर में 2014 में आई थी, तब उनको अभी यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो मेजर रिफॉर्म साइड यहाँ पे होते हैं, जो लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स, इसके बारे में भी बोला जा रहा है, ताकि यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिले, ताकि जो लोग जो है लेबर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अगर उन लोग के पास इकोनॉमिकल बेनिफिट्स आएंगे, उन लोग तभी तो इंडिया की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, अगर उन लोग खुद से गरीब रहेंगे तो उन लोग दे नहीं पाएंगे। इसका बेस्ट जो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं चाइना के हक में, तो यहां पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की तो जरूरत नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्लान की यहाँ पे काफी जरूरत है, तो इसमें ये बोला गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि गवर्नमेंट यहाँ पे बिलीव करती है कि प्रेजेंट जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई है ये पिछले क्वार्टर से काफी नीचे जा रही है, और ये साइक्लिकल होती जा रही है, एक के बाद जो एक सेक्टर के बाद दूसरी सेक्टर में यहाँ पे इकोनॉमिकल स्लोडाउन यहाँ पे देखी जा रही है, तो सभी को यहाँ पे इक्वली रिफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेप्स लेने होंगे जो इक्वली सबको इन एंड लॉन्ग टर्म, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे इन एंड लॉन्ग टर्म उसको ठीक किया जा सके, तो इसको यहाँ पे एक जो हाई एम होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ पे जो लॉन्ग पेंडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसको यहाँ पे गो थ्रू करके उसको ठीक करने पड़ेगी, तभी जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है ये नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे जा पाएगी, तो इस आर्टिकल में यहीं पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी एज वेल, तो यहाँ पे जो GDP ग्रोथ रेट हम लोग अगर देख सकते हैं, हर एक साल में चार बार इसका जो क्वार्टरली, हर मतलब तीन महीने में एक बार इसके हिसाब से ये आता है, तो अगर देखेंगे जुलाई 2016 में सबसे ज्यादा ये 8.7% थी, फिर से ये कम होनी स्टार्ट हो गई, और जुलाई जो 2017 में ये 6% तक आ गई थी जो GDP ग्रोथ रेट है, देन फिर से ये बढ़ने लगी जनवरी जो जुलाई 2018 में ये 8% आ गई थी, और अगर बात करेंगे कि हम लोग पिछले चार क्वार्टर में, तो जुलाई 2018 में ये 7% आ गई थी, देन इसका एक स्लो डाउन हुआ, ये कम होकर 6.6% आ गई, फिर इसका एक स्लो डाउन हुआ, देख सकते हैं कैसे इसलिए स्लो डाउन हुई है, इसकी यहाँ पे लगभग 0.4% का यहाँ पे एक स्लो डाउन हुई है, देन यहाँ पे लगभग कितना 0.8% का एक स्लो डाउन यहाँ पे हुई है,
5.8% तक आ गया, फिर से 1.8% का यहाँ पे स्लो डाउन हुई है, तो ये जो है कम होकर अभी 5% स्लो डाउन जो जीडीपी ग्रोथ रेट अभी चल रही है जुलाई 2019 में, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा वन ऑफ द स्लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। तो इसमें यह बोला गया है कि कितना आप वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया कितना कम 8% से 7%, 7% से 6.6%, देन 6.6% से लेके 5.8%, तो 5.8% से लेके 5% कितना यहाँ पे श्रिंक हो गई है, कितना जीडीपी नीचे आ गई है। तो यहाँ पे बोला है अलग अलग एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे अलग अलग अपने व्यूज दिए थे कि ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। 7% जो एनुअल ग्रोथ रेट लगभग हर जो एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने दिया था, लेकिन यहां पे ये हुई नहीं। तो अगर बात करेंगे हम लोग इकोनॉमी सर्वे ने जो हिसाब से बोला था कि जुलाई के टाइम में ये 7% की एक ग्रोथ रेट होगी करंट ईयर के एंड तक, ये तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। जो आरबीआई ने बोला था कि आरबीआई ने बोला था कि ये 7% तक होगी, लेकिन बाद में उसको 6.9% कर दिया, लेकिन पहले प्रेडिक्शन किया था 7.2%। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी हेडक्वार्टर मैनिला फिलीपींस में है, उन्होंने बोला था कि ये पहले तो 7.2% होगी अप्रैल में, बाद में इसको कम करके 7% कर दिया गया, लेकिन ये 7% के आसपास भी नहीं है अभी। देन जो IMF ने ये बोला था, पहले तो ये 7.3% बोला था, बाद में बोला कि ये 7% होगी। आप देख सकते हैं लगभग सारे जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 7% की एक यहाँ पे प्रेडिक्शन की थी, लेकिन ये काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो गई है। तो ये कम होने का यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे जो यहाँ बेसिकली हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा गैदरिंग एजेंसीज होती है, यहाँ पे उन लोग की जो ऑफिशियल डेटा कलेक्शन होती है, इसमें एक सवाल या निशान हम लोग उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफिशियल डेटा है ये इसमें गलती बहुत ज्यादा है। तो यहां पे जो प्रोजेक्शंस उसके हिसाब से इनकरेक्ट है, तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड प्रोजेक्टिंग है, ये जो इमेज गवर्नमेंट के पास है, इसको ठीक करने के लिए अलग से इसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल में ये बोला कि ये 5% जीडीपी ग्रोथ नहीं, उससे नीचे है, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक दिखाने के लिए एक अच्छी इमेज जो है उन लोग बनाने के लिए इसको मेंटेन किया गया है ताकि ये 5% ही है, लेकिन ये जो सही न्यूज नहीं है यही बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक ऑल्टरनेटिव जो एक्सप्लेनेशन बोला गया है कि इतना कम ये कैसे हो गया, तो इसके वजह से यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो रेट है, स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो या कंजम्पशन जो रेट है, ये दोनों ही डिक्लाइन हो गई है यहाँ पे। अगर डिक्लाइन होगी, जैसे हम लोगों ने पहले आर्टिकल में बोला गया था कि कोई भी जो अगर व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स होंगे, उन लोग ये साइक्लिकल में चलती रहती है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये कम होकर 30% तक जो है ये यहाँ पे कम हुई है, यहाँ पे ये बोला गया है पिछले कुछ सालों में। और यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जो इकोनॉमी यहाँ पे होनी चाहिए उसका यूटिलाइजेशन ये 75% ही हुई है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन कम हो सकती है और लोअर प्रोफिटेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पूरी जो कैपिटल है उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे हुई ही नहीं, क्योंकि ये एक साइक्लिकल सिस्टम में चलती है। एक सिस्टम में करेंगे तो ये साइकिल जो है इसका बैलेंस बिगड़ सकता है, तो पूरी सिस्टम को इक्वली यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि स्टॉक मार्केट में जो यहाँ पे रिकॉर्ड था ये जून में काफी हाई था, ये बोला गया कि लेकिन इन्वेस्टमेंट रेट जो है इसमें ये बढ़ी ही नहीं। तो यहाँ पे जो मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बोला गया कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है ये 14 साल में सबसे ज्यादा यहाँ पे लो चल रही है, और आरबीआई ने जो है अपने इंटरेस्ट रेट जो है उसको काफी सारे कट डाउन किया है। जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि जो अगर जो रेपो रेट है, रेपो रेट अभी फिलहाल की जो रेपो रेट है ये 5.4%, इसको आरबीआई ने जो हर 2 महीने में इसका एक रिन्यूअल होता है, इसको 5.4% अभी की जो रेपो रेट है, और जो रिवर्स रेपो रेट है ये है 5.15%, हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट से 0.25% हमेशा कम ही रहती है। तो इसके हिसाब से ये बोला गया कि आरबीआई ने काफी सारे इसमें रिफॉर्म्स किए हैं, ईज कर दिया है जो टैक्स के कट डाउन, जो इंटरेस्ट कट डाउन इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा रहे और लोग कंजम्पशन ज्यादा कर सके, और इसका रिटर्न में क्या हो सके, कंपनीज जो है उनके पास डिमांड हो सर्विस या प्रोडक्ट्स के बारे में, उन लोग बैंक से ज्यादा लोन ले सकेंगे, कम इंटरेस्ट स्टेट में उन लोग अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस उन लोग प्रोड्यूस करेंगे, उसके क्या होगा कि उसके जो रेट्स कम है, उसके जो एक प्राइस कम होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उन पर कंजम्पशन करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसका इकोनॉमी पे बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो यही चीज जो है उलट के साइकिल में चलती रहती है, तो इसी को ठीक करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि पिछले 2 हफ्ते पहले जो आरबीआई
ने अपने सरप्लस को जो ट्रांसफर किया था 1.7 लाख करोड़, तो इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे तो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैंक्स की जो एक शॉर्टफॉल हो तो उसको रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से ठीक होने की यहाँ पे बात की जा सकती है कि ये एक कंट्रोल में आ सकती है यहाँ पे जो यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोला गया कि बजट में बोला गया था कि 2024-23 तक जो है जो फिस्कल डेफिसिट जो है ये अभी जो फिलहाल है 3.3% चल रही, इसको कम करके 3% तक कर दिया जाएगा नेक्स्ट जो 3-4 सालों में। लेकिन ये काफी ज्यादा यहाँ पे इसके लिए जो स्टिमुलस सिस्टम की यहाँ पे प्रोविजन होगी यहाँ पे दरकार होगी इसमें, लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये उल्टा कम होने के बदले यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की काफी ज्यादा बढ़ रही है। और ये बोला जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये 9% तक बढ़ सकती है, उसके काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो इफेक्ट होती है जो स्टेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इतनी ज्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट होगी तो गवर्नमेंट को बहुत सारे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट एंड हार्श पॉलिटिकल यहाँ पे डिसीशंस लेने होंगे, तभी जो है इसमें सुधार आ सकती है। और इस गवर्नमेंट ऐसे हार्श पॉलिटिकल डिसीशन जो है ले भी नहीं सकती, क्योंकि जो है इससे जो है लोग गवर्नमेंट को ही दोष ठहराएंगे कि लोग तो ये नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है। उन लोग अपने रोजमर्रा की जो सामान है उसका सामान का प्राइस बढ़ते जा रही है, जो उन लोग को टैक्स देना चाहिए टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, उन लोग उसके हिसाब से ही देखेंगे और ये बोलेंगे ये गवर्नमेंट की वजह से ही ऐसी हो रही है। लेकिन जो ओवरऑल सिस्टम के बारे में उन लोग को जो एक जनरल लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आती है, उन लोग जो सिस्टम को या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट उन लोग को ही यहाँ पे दोषी ठहराते हैं। तो इसमें हम लोग को हमेशा समझनी चाहिए कि अगर बात करेंगे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी कि हम लोग मान ले अगर सपोज एक यहां पे फार्मिंग का एक किसान है जो फार्मिंग करके अपना फसल जो है अपनी इनकम चलाता रहता है, उसके पास अलग अलग जैसे कि 5 ऐसे प्लांट्स है जहां पे वो फार्मिंग करते हैं जो एग्री जो फिशरी की फार्मिंग करते हैं, तो वहां पे उन्होंने मान लीजिए कि देखभाल करने के लिए 10 लोग रख दिया है वहां पे अलग अलग 5 उनके फील्ड में। तो अगर बात कर लीजिए वहां पे जो डीमोनिटाइजेशन के वजह से उसमें उसके पर इफेक्ट पड़ा, पहले जितना भी जीएसटी उन लोग को देना पड़ता था वो उसमें एक जो ज्यादा हो गया ये जीएसटी उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ा, तो उनको क्या होगा कि अपने जो लेबर्स उन लोग ने रखे थे उन लोग एम्प्लॉय करते थे उन लोग में कट डाउन करना पड़ा। तो इसमें जो क्या होती है कि ये जो किसान फार्मिंग से रिलेटेड जो टैक्स पे करता है इसको टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के पास में डायरेक्टली नहीं पहुंचती। तो ये एक एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं फार्मिंग सेक्टर की, छोटे छोटे जो सेक्टर्स है उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पे इन एन सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। तो जीएसटी का ये जो हिट है ये काफी बड़ी हिट थी बोल जाइए कि यहाँ पे इसके वजह से काफी इफेक्ट यहाँ पे पड़ा। और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये जो टोटल आउटपुट है उसमें 45% की यहाँ पे एक क्या करती है यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन देती थी, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है 94% यहाँ पे होती थी। मतलब जो है कोई भी किसान कोई भी जो इंसान अगर कोई भी मजदूर वहां पे जाएगा काम खोजने के लिए उन लोगों को रख ही लेगा जैसे कि इसकी जो रोजी रोटी यहाँ पे चलती रहे ताकि। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो इसमें कलेक्शन है या जो भी यहाँ पे डेटाज है ये पिछले 5 सालों में इसमें ये करेक्ट नहीं है, इसमें जो मिलियंस ऑफ यूनिट जो डेटा है उसको कलेक्ट मंथली यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया जा सके ताकि उसको क्वार्टरली या इवन एनुअली भी उसको अपडेटेड नहीं रहते। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है जो प्रोजेक्शन यहाँ पे करती है ये एक एजम्पशन के जरिए ही किया जा सकता है कि इतना है, उन लोग को एक्यूरेट यहाँ पे डेटा उन लोग के पास नहीं रहती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है वो एक एस्टिमेशन एडवांस एनुअल एस्टिमेशन पे यहाँ पे करती है, जो क्वार्टरली एस्टिमेशन के हिसाब से अगर किया जाए तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो सकती है। तो यहाँ पे एक क्वार्टरली ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो यूज होता है ये लेटेस्ट एस्टिमेट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड, देन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड, देन परफॉर्मेंस ऑफ की सेक्टर्स जैसे कि रेलवेज हो ट्रांसपोर्ट हो रेलवेज कम्युनिकेशन हो बैंकिंग सेक्टर हो इंश्योरेंस सेक्टर हो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसको हम लोग एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका जो टैक्स है गवर्नमेंट को डायरेक्टली मिलता है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर के बहुत एक बड़ा पार्ट है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर मानते हैं, लेकिन सबको यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग नहीं मान सकते। तो ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम वाली बात है। इसमें अलग अलग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जैसे कि माइनिंग के बारे में बात किया जा रहा है, बैंकिंग के बारे में बात किया जा रहा है, होटल इंडस्ट्रीज के बारे में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, इसको भी सुधार करने की जरूरत है ताकि इसके जो रियल डेटाज या इसमें जो ग्रोथ है सभी जो आंकड़े गवर्नमेंट के पास यहाँ पे रहे। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है जैसे कि स्टील ग्लास इस सब में या जो
यहां से आती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की, उसमें भी यहां पे सुधार की काफी जरूरत है, तो इसमें ये बोला गया है। तो यहां पे जो ऑफिशियल डेटाज है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें एक ह्यूज पॉपुलेशन काम करती है उसका कुछ यहां पे जो डेटाज अपडेटेड यहां पे है ही नहीं। और बात करेंगे कि जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स कितनी ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं उसका पता चलता है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें हर जो व्यक्ति को 100 दिन का मजदूरी के हिसाब से यहां पे जो है उनको रोजगार मिलते हैं। तो ये इसका डिमांड जो है MGNR एक्ट, तो इसके हिसाब से इसका डिमांड काफी बढ़ती जा रही है और ये डिमांड जो है 10% तक बढ़ गई है। तो आप लोग ये मान सकते हैं जो वर्कफोर्स में उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक कटौती हुई है, तो इसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो लेबर्स को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। और आर्टिकल में यही बोला है कि तो रियल जो डेटाज है ये 5% से कम है, लेकिन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ताकि ट्रूथ को रिवील हो और ये जो रेट ऑफ ग्रोथ हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको एक एस्टिमेशन के जरिए नहीं करनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ पे उनके ऊपर इसका इफेक्ट हो और ये जो सिस्टम को प्रॉक्सी यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। तो ये आर्टिकल जो लिखा है, ये आर्टिकल लिखा है अरुण कुमार ने। नेक्स्ट जो आर्टिकल में आप लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो जन सूचना पोर्टल, हम लोगों ने जो सैटरडे का डिस्कशन था इसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया गया था, तो आप लोग चाहे तो हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि RTI एक्ट जो थी ये 2005 में जब इम्प्लीमेंट हुई थी उसके 14 साल के बाद जो 2019 में जन सूचना पोर्टल राजस्थान में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, तो इसमें अगर बात करेंगे कि ये जो बेसिकली एक RTI की ही एक पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल है जिसमें ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट को उसको इंक्रीज करने की यहाँ पे बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल ही, ये जो अलग अलग स्कीम्स है जो 13 अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाती है, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, जैसे कि सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होती है, सारे के बारे में यहाँ पे जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन और बेनिफिशियरीज और जो अथॉरिटीज है इंचार्ज में कौन काम कर रहे हैं, उसके प्रोग्रेस क्या है, कैसी कैसी स्कीम्स आने वाली है, उसका कैसा बेनिफिट्स मिलेगा, सारी जो डेटाज है इस ऑनलाइन पोर्टल में यहाँ पे मिल सकती है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी ये इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पे लाभ हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स में या पंचायत में यहाँ पे जो है उससे यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये सूचना जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक वॉर्टी यहाँ पे इनिशिएटिव यहाँ पे बोला जा सकता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो RTI एक्ट है ये डील करते हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सिटीजन्स के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो उनके पास होनी चाहिए कि ये इजीली उन लोग के पास होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटीज है या उन लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है उन लोग को RTI में पहले रिक्वेस्ट करके उन लोगों के पास टाइम लग जाती थी इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते, तो यहाँ पे जन सूचना पोर्टल यहाँ पे काफी उनको इजी कर देगी। तो यहाँ पे RTI फाइलिंग जो है इंक्रीज एक्सपोनेंशियली यहाँ पे हो रही है, क्योंकि लोगों के पास RTI की जो जन जागरण है यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही है, उन लोग ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के बारे में उन लोग अवेयरनेस ज्यादा हो रही है। तो इसके बारे में तो ये बोला जा रहा है कि उसकी सभी इंफॉर्मेशन जो है कोई भी जो सिस्टम के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट हुई है या कमिश्नर की कोई भी सिस्टम के बारे में उनको टाइम लग जाता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये पे अभी रियल टाइम में ये जो सूचना है उन लोग को प्राप्त यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे RTI के रिक्वेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्स रेट भी काफी है, तो ये जो है इसके हिसाब से यहाँ पे काफी यहाँ पे जानकारी इमीडिएटली प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो RTI की सेक्शन 4/2 जो एक्ट है इसमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे RTI जो है किसी भी इंडियन सिटीजन का यहाँ पे हक है, जो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज है उनको इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली यहाँ पे जो है दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है उन लोग को सक्सेसफुली ई गवर्नेंस के हिसाब से उन लोग के साथ लेके यहाँ पे काम करनी होगी, ताकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हो पब्लिक के पास में ये रैपिडली रिलीज हो सके वेरियस जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो वेबसाइट है इसमें रिलेटेड, और इसमें कोई भी जो सूचना है ये इसमें इजी होनी चाहिए ताकि जो लोगों के पास ये डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए ताकि उन लोग उसको यूज कर सके। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डेटाज एंड रिकॉर्ड्स है ये जो है स्ट्रक्चर करनी चाहिए इंफॉर्मेशन को जो सिस्टमेटिक वे की तरीके से, ताकि जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो सिटीजन की उनके पास जो नॉलेज हो वो सही तरीके से हो सके, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट के जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो जन सूचना पोर्टल के जरिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है इसका
ट्रांसपेरेंसी के बारे में बोला गया है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी है, ताकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है ये अनहेम्पर्ड होनी चाहिए ओवर द टाइम, अपडेटेड रहनी चाहिए हमेशा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि जो लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोज बुजुर्ग लोग हैं 70 या 80 ईयर्स के जो लोग हैं, उनके पास इतनी जो डिजिटल एडुकेशन यहाँ पे नहीं होती, तो इसके हिसाब से भी ये इजी टू यूज होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है इसको इजीली उसको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे बिकॉज ये देख सकता है कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी हो और लिटरेसी ओवर द टाइम यहाँ पे काफी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम जो डिजिटल नॉलेज रिगार्डिंग द पब्लिक अफेयर्स ये काफी हेल्प करेगी लोगों को, ताकि उन लोग उसका जो है फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया जा सके। देन चलते हैं आज के डेटा पॉइंट में। तो डेटा पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि पिछले जो 642 कंपनीज में उसके जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी ड्रॉप डाउन हुई है, 5.7% की यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुई है, जो 11 जो क्वार्टर है पिछले लगभग आप मान सकते हैं कि लास्ट 3-4 सालों में सबसे निचले पायदान पे यहाँ पहुंच गई है जो फाइनेंशियल 2020 के हिसाब से। तो ये जो एक वेट जो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बोल सकते हैं इसका एक जिम्मेदार यहाँ पे ठहराया गया है, तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और जो बोरोइंग कैपेसिटी है अलग अलग सेक्टर से बोरो करके उसको इन्वेस्ट कर सके, तो ये भी एक स्लो डाउन हुई है। तो ये इन एन ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव स्लो डाउन है इसके अलग अलग फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो अगर रिटेन अर्निंग्स टू प्रॉफिट रेशियो, जितना प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो होनी चाहिए ये जो है 20% के आसपास है, और बात करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे मैं गलत बोल गया, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट जो रेशियो है ये 20%, यहाँ पे जो प्रॉफिट तो अर्निंग टू प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितनी कम है, मतलब 5.7% है, काफी ज्यादा कम है ये तो। लेकिन जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ये जो डिविडेंड देनी पड़ती है उनको, ये 20% काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग जो ग्रोथ इन प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स कंपनीज, तो ये भी जो मशीनरीज होनी चाहिए उनकी ग्रोथ जो है वो काफी कम है। अगर मशीनरीज जो है प्लांट या कंपनीज पे नहीं होंगे, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, तो उसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये सारा जो है आप देख सकते हैं एक सिस्टम में चलती आ रही है, जो उनके जो डिविडेंड पे करने है ये जो उनकी लाइबिलिटीज है बढ़ती जा रही है, उन लोग के पास एसेट कम होती जा रही है, उन लोग की जो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम होती जा रही है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट ओवरऑल जो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे पड़ रहा है। तो इतनी सारी ज्यादा कंपनी को एवरेज देखा जाए तो ये 5.7% काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के, इनको एक इंटेंजिबल तरीके से लेखा अगर जाए तो ये जो है इसका 8.4% ही यहाँ पे एक ग्रोथ हुई है। तो अगर देखा जाए इसका जो फाइनेंशियल ईयर में जो 2018 के हिसाब से बोला गया, तो ये पिछले 13 साल में सबसे यहाँ पे स्लोएस्ट है। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उन लोग जो इन्वेस्टिंग यहाँ पे नहीं कर पा रही है, और फ्यूचर के लिए भी उन लोग के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो ये काफी यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये काफी नीचे चली गई है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग जो इंटरेस्ट कवर है और जो बोरोइंग परसेंटेज है, ये भी हम लोग कितना ज्यादा है, जो इंटरेस्ट जो यहाँ पे बोरोइंग जो है, बोरोइंग तो यहाँ पे भले ही कम होती जा रही है, लेकिन जो इंटरेस्ट कवर है, इंटरेस्ट कवर भी काफी ज्यादा यहाँ पे है। तो ये बेसिकली क्या करती है, एक बैलेंस शीट प्रोवाइड करी है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो रेशियो है अगर लेस देन 1% हो तो यहाँ पे डेब्ट इज लोअर देन द इक्विटी, और रेशियो अगर 1% से ज्यादा हो तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसको बोला। लेकिन प्रॉफिट ज्यादा भी है तो, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पे कम है, आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा कम होते जा रही है, यहाँ पे पिछले सालों के मुकाबले कितनी ज्यादा यहाँ पे कम हो गई है। तो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव बिजनेस के बारे में बोला गया है, जो बिजनेस होती रही है उसकी जो प्रोडक्शन उसके हिसाब से नहीं चल रही है, तो अगर उन लोग के बोरो जो करते हैं उसका अगर नहीं मिलेंगे, उन लोग को टैक्स ज्यादा पेमेंट करना पड़ा है, उन लोग के पास उतनी वर्कफोर्स नहीं होती है, उन लोग के पास उतना रिसोर्सेज नहीं होते, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये फेल होके गिर के ये 1.7% तक यहाँ पे चली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो नेटवर्थ है और जो परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी ज्यादा 1.7% तक यहाँ पे नीचे चली गई, जो पिछले 13 साल के मुकाबले सबसे यहाँ पे कम है ये बोला जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए हम लोग 2005 या 6 में ये रेट जो है काफी ज्यादा होती थी, लेकिन ये जो है बढ़ती जा रही है। तो इसके जो रीजंस है, इसके रीजंस एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस है, तो जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, उनके पास एसेट्स नहीं हो पा रही है, तो बैंक्स अगर दे पा भी रही है तो बैंक्स क्या हो रही है कि उन लोग के पास रिटर्न नहीं पा रहे, तो एनपीए क्राइसिस जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो इसके वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम, तो क्यूमुलेटिवली इसका इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। और उसी का इफेक्ट जो है हम लोगों ने जो सेकेंड
आर्टिकल में डिस्कस किया जो जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम है उसको देखने पड़ रहा है। तो ये जो डेटा आप अगर याद रखेंगे और इसके एनालिसिस को आपने अगर समझ लिया तो उसको आप उस आर्टिकल से अगर ऐसा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप उसको रिलेट कर सकें ताकि आपके जो आंसर है और भी यहाँ पे एनरिस्ट हो सके। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। हम एक बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा हार्डवर्क करने के लिए। और आज शाम को देखना मत भूलिएगा स्टेडियाइज का जो करंट अफेयर्स, और आशा करते हैं वो आप लोग भी उसको उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप द हिंदू एडिटोरियल को देते आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे स्टेडियाइज। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।